चिप डे स्पेशल शो के बारे में जो हैशटैग सलीम में लेकर आने वाले हैं, वन एंड ओनली सलीम बच्चे। बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी आवाज सुन के मैं डर जाता हूँ थोड़ा सा यार, कि धमाकेदार आवाज है, कि कमाल की आवाज है। मैं आपसे अभी अंदर में वही बात कि मुझे लगता है आपने साउंड वाले से बात कर ली कि थोड़ा सा साउंड वाउंड मेरा अच्छा रखना और सलीम का थोड़ा कम करना। मैंने माइक की सेटिंग पहले ही करवा ली थी, 5 नंबर वाला मुझे देना। तो जब हम फ्रेंडशिप की बात करते हैं तो बचपन की कुछ यादें होंगी, दोस्तों के साथ आप किस तरह से मस्ती करते थे, क्या वो बातें हैं, किस तरह से फ्रेंडशिप डे आप सेलिब्रेट करते थे? मैं बहुत अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ, बिकॉज शुरुआत से ही मेरा जो मेरी फ्रेंड सर्कल, मेरा फ्रेंड सर्कल रहा है, मेरे जो साथीदार रहे हैं वो सब म्यूजिशियन रहे हैं जी। स्कूल से लेकर ही, स्कूल से जब शुरुआत हुई थी, जब ऑब्वियसली जब फ्रेंड्स नए नए बने थे, तो स्कूल के जो मेरे फ्रेंड्स थे उसमें से कोई एक सिंगर था, कोई एक गिटार बजाता था, और इस तरह से शुरुआत हुई। तो और ऑब्वियसली जाहिर है मेरा भाई, ही वॉज माई, मानो मैं मेरा भाई था, बट ही वॉज माई दोस्त मेरा बेस्ट फ्रेंड था जी। और बिकॉज वो ड्रम्स बजाता था और मैं कीबोर्ड्स बजाता था, तो हमारी दोस्ती शुरुआत से ही दोस्ती के साथ साथ म्यूजिक की इन्वॉल्वमेंट रही है। और स्कूल में हमारा एक बैंड था, क्या बात है, स्कूल से ही बैंड था, तो स्कूल में बैंड था, हम तो बेंच ही बजाते थे स्कूल। और फिर स्कूल से मैं जब बाहर निकला तो यू नो कॉलेज में ज्यादा गया नहीं, बट म्यूजिक की स्टडीज हुई। बट बहुत द वेरी बिगिनिंग, राइट इन द वेरी लाइक, बहुत पहले मेरी जो मेरे फर्स्ट फ्रेंड्स थे उसमें से एक फ्रेंड जो अभी एक ग्रैंड एंट्री लेने वाले हैं, वन एंड ओनली, द वन एंड ओनली, जी हाँ, बजाइए जरा, जम के बजाइए, आएंगे वो, माय क्लोजेस्ट फ्रेंड शान सर। और मैं आपके देखिए इतनी वो कहते हैं ना कि यू नो वी सेव द बेस्ट फॉर द लास्ट, और इसी तरह से तो शुरुआत से ही मुझे लगता है कि 25 साल, शायद आई नो यू फॉर 25 इयर्स, 25 साल से हमारी दोस्ती है। डोंट आस्क मी माय एज एंड हिज एज, बट सीरियसली ये तो इस तरह से शुरुआत हुई हमारी और दोस्ती। और फिर ऑफकोर्स यू नो शान वेरी सक्सेसफुल एज अ सिंगर, और बहुत सारे गाने और बहुत सारे अवार्ड्स, और एंड इट्स सो गुड दैट आज बिग एफएम के स्टूडियो में हम हैशटैग सलीम में फ्रेंडशिप डे मनाने वाले विद माय डियर बडी शान। ओवर टू यू मैम। इस शो में वाकई ने एक जिस तरह से सलीम की एक तो आवाज ही इतनी खूबसूरत है जो हम लोग नहीं रियली, जब मतलब रेडियो पर एक अलग आवाज होती है और रेडियो फ्रेंडली वॉइस इसे कहते हैं, हिसाब से भी फैबुलस और सेटिंग वेटिंग कर लेते हैं। नहीं दोस्ती की बात हो रही है, डेफिनेटली वन ऑफ माय क्लोजेस्ट फ्रेंड्स एंड लॉन्गेस्ट फ्रेंड्स। और जब हमारी दोस्ती तब हुई जब हम उस तरह से प्रोफेशनली भी काम नहीं शुरू करते, दोनों का ही म्यूजिक का शौक था और एक एक यू नो वी मोर लाइक पार्टिंग टुगेदर, करेक्ट, बहुत सारी पार्टीज के एक साथ में, एक दो पिकनिक्स पे गए थे, आउटिंग्स पे गए थे, और म्यूजिक वाज नॉट सच अ बिग, इतना बड़ा मुद्दा नहीं था, शामों में सुना हूँ और बहुत मजा आया है हमेशा। रिकॉर्डिंग का कॉल आ रहा है। नहीं नहीं यार वो बंद हो गया रिकॉर्डिंग। आई जस्ट केम फॉर रिकॉर्डिंग। आज आप थोड़ा सा वेट कर रहे हो उसके लिए, बिकॉज़ शाम की बहुत इंपॉर्टेंट रिकॉर्डिंग है, माफी चाहता हूँ सर। नहीं नहीं ये तो मैंने अभी वो आते आते चंदन वाला टीका ब्रह्म कुमारी का कोई भजन करके आया, बहुत अच्छी जो मिल जाए गाने में हमेशा, ऑफकोर्स भजन करने तो अच्छी बात है, तो हम चाहे भजन करें भोजन करें हम लोग ने बहुत धमाल किया है मेनी मेनी इयर्स। तो बिल्कुल फ्रेंडशिप डे पर कई बार ऐसे दोस्त होते हैं ऑलमोस्ट मीडिया क्रिएटेड, या हमारी दोस्ती में कोई उस तरह का कोई मतलब या कोई मीडिया नहीं है, क्योंकि मीडिया के पहले की दोस्ती है ये। एग्जैक्टली, बिफोर सेल फोन्स, बिफोर हैशटैग्स, बिफोर हैशटैग्स हमारी दोस्ती होती है वाकई में, आई थिंक 25 साल या ज्यादा, और नहीं 25 साल आई थिंक, या और बहुत सारे जिंगल्स, कितने जिंगल्स शान ने गाए मेरे लिए और हमारे लिए, और बहुत सारे वी डिड दैट फर्स्ट सॉन्ग दैट वो हेड ओवर हील्स
बनाया हुआ है सिर्फ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए या सिर्फ इस एक मीडिया हाइप के लिए कि ये आज फ्रेंडशिप डे आ रहा है तो हैशटैग सलीम है यू नो आई एम गोना टॉक टू माय क्लोजेस्ट फ्रेंड शान. मैं वो बात नहीं है, वाकई में हमारी दोस्ती बहुत पुरानी है और बहुत गहरी है एंड आई एम सो हैप्पी दैट वी हैव शान टुडे. और इतना धमाकेदार ये शो होने वाला है. मैंने अपने हिसाब से कुछ क्वेश्चन सोचे हैं जो बहुत पर्सनल है और ऑफकोर्स शान ने बहुत इंटरव्यूज किए होंगे, बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज किए होंगे टेलीविजन और रेडियो पे, पर कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो म्यूजिक से रिलेटेड है, जो हमारी दोस्ती से रिलेटेड है, वो चीज है मैं आज हैशटैग से लिंक में ले आऊंगा शान से. म्यूजिक की बात तो होगी लेकिन जब दो दोस्त मिलते हैं तो वो थोड़ा अंदर वाली बातें भी होती है. वही तो करता है एकदम, मतलब वो याद है तुझे वो वाली. आज सब अंदर वाली बातें बाहर हो जाएंगे होपफुली. सारी बातें म्यूजिक की बात जिस हद तक हो सकती है वो बाहर. कुछ कुछ चीजें हैं जो शान की मैं जानता हूँ, जो उसकी इन्फ्लुएंसेस हैं, जो उसकी रूट्स हैं, जो उसकी शुरुआत कैसे हुई, तो कुछ कुछ चीजें हम म्यूजिकली बात करेंगे इसके बारे में. जरूर कहूंगा मेरी जो शुरुआत की रूट्स आर क्वाइट हेवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय सलीम्स इन्फ्लुएंस इन म्यूजिक आल्सो. तो बहुत काफी कॉमन रूट्स है हमारी इस तरह से. साथ में रहने से क्या म्यूजिक सुनते हैं तो, लेकिन हम आपका वेलकम करना चाहते हैं. ग्रैंड एंट्री तो हो गई आपकी. मैं चाहूंगा कि स्वप्ना जी आप आए और बढ़िया सा बुके लेकर स्वागत करें सलीम साहब का, शान साहब का, या ऐसा करते हैं कि आपके हाथों से इनका और इनके हाथों से आपका. क्या बात है, फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट कर लेते हैं. और एक केक भी है इस मौके पर फ्रेंडशिप डे को सेलिब्रेट करने के लिए, जो हम चाहते हैं कि यहाँ पर आप लेकर आए एंड बढ़िया सी केक कटिंग सेरेमनी हो जाए. फ्रेंडशिप डे हम एडवांस में आज सेलिब्रेट करेंगे, दो दोस्त मिल गए. क्या बात है. So, ladies and gentlemen, hashtag Salim par Friendship Day special celebrate karne ke liye special wala cake. You can have a cake and eat it too. Yeah. Excuse me. एक लाइन है जो हम भैया दोस्ती सेलिब्रेट करेंगे, जरा एक मिनट. एक लाइन है जो हम बिग एफएम पर बोलते हैं और चाहते हैं कि आज आप दोनों दोस्त जब यहां पर हैं तो जरूर बोले. 92.7 बिग एफएम पर हिट गाने होंगे ज्यादा, ये है बिग एफएम का वादा. 92.7 पर हिट गाने होंगे ज्यादा, ये है बिग एफएम का वादा.